ये बच्चा को देख सकते हैं, बनियान पहन के जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए, सीधा गंजे जा रहा है नमाज पढ़ने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी की वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल अच्छे से होलिया में नहीं हूँ। मेरा वो टी शर्ट पहना हुआ है, वैसे ही मैंने सिर्फ पहन के रखा हुआ। अभी क्या है ना कि अभी टाइम हो रहा है 10:33। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, नहाने धोने के लिए। तो मैं सोचा कि यार चलो आपको जो है ना, नहा धोने से पहले, फ्रेश होने से पहले आपको थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ कि आज जो है ना अलविदा जुमा है और आज ही के दिन से जो है ना रमज़ान ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का एक बड़ा सा अफसोस है। अगर जो लोग रोज़ा करते हैं ना, जो लोग परमानेंटली रोज़ा रखते हैं, महीने के 29-30 जो भी रोज़ा हो सब रोज़ा रखते हैं, तो उनको जो है ना एक दुख होती है कि यार आज से जो है ना हम रोज़ा नहीं रख पाएंगे, आज से जो है रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, तो उनको थोड़ा सा अफसोस होता है। तो आज जो है ना बस वही अफसोस का दिन है, क्योंकि आज है अलविदा जुमा। आज जो है ना रमज़ान को अलविदा कहा जाएगा, रमज़ान आज से ख़त्म हो जाएगा, मतलब कल से ईद शुरू है, कल ईद हो जाएगा, ठीक है। सो मैं सोच रहा हूँ कि यार आपको जो है ना थोड़ा सा अलविदा जुमा का टूर दे देता हूँ, क्योंकि अलविदा जुमा तो पढ़ने सबको जाते हैं। मैं आपको पढ़ूंगा भी और दिखाऊंगा भी कि कितनी तादाद में लोग आते हैं। ऐसे नॉर्मल जुमा की बात अलग होती है और जो अलविदा जुमा है ना उसकी बात अलग होती है। और मतलब बहुत सारे चीज़ ऐसा चीज़ है कि जिसको आपको दिखाना बनता है। तो मैं अभी जाने वाला हूँ थोड़ा सा नहाने धोने के लिए। इसके बाद जो है ना अभी हम लोग जो मेरे अब्बू मेरे भाई लोग जो ना हम लोग जाने वाले हैं थोड़ा सा अलविदा जुमा पढ़ने के लिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा दूर में, मतलब अभी जो है ना 12-13 किलोमीटर दूर हम लोग जो है ना अलविदा जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो एक लोग कहते हैं कि मतलब जो है ना अगर आप जितनी दूर जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, अलविदा जुमा पढ़ने के लिए, आपको नेकी और सवाब जो है ना उतना ही ज़्यादा मिलता है जितना आप दूर जाते हैं। सो अभी जाता हूँ मैं, फ्रेश होता हूँ और आपको एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इस बार का जो रमज़ान है वो 29 रमज़ान हुआ, मतलब 29 रोज़ा हम लोग जो है ना रख पाए हैं। और आज के दिन जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ जुमा के दिन, आज जो है ना सऊदी में, मतलब UAE में, दुबई वगैरह में जो ना आज ईद मनाया जा रहा है। सो 110% देखिए कल हमारे यहाँ पर ईद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो ना ज़्यादातर विदेश वाले पे निर्भर रहते हैं कि वो लोग अगर ईद पहले मना लेते हैं फिर बाद में हम लोग मनाते हैं उसके दूसरे वाले दिन। सो दोस्तों चलते हैं, अभी फ्रेश होते हैं फिर आपसे मिलते हैं, आपको सारा चीज़ दिखाते हैं और जिस भी मस्जिद में जाने वाले हैं वहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं। सो गाइज अभी जो है ना बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं मस्जिद में जाने के लिए। अभी हम लोग यहाँ से 12 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, मतलब सालमारी जा रहे हैं। तो भाई लोग जो है ना अभी अब्बू लोग भाई लोग बाहर थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं जो है ना तैयार होकर आ गया हूँ, अभी यहाँ से जस्ट निकलते हैं। आप देख सकते हैं ये लोग जो है ना पूरी तरह से तैयार हैं। दो गाड़ी से भी हम लोग जाने वाले हैं, जो अभी हम लोग जाएँगे सालमारी, यहाँ से अभी 12 से 13 किलोमीटर है। सो अभी रेडी है, सब्ज़ी वाला भी यहाँ आया हुआ है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, आगे का व्यू आपको दिखाते हैं। सो दोस्तों अभी यहाँ जो है थोड़ा सा तेल बढ़वा ली है, क्योंकि गाड़ी में तेल की बहुत ज़्यादा कमी थी और तेल भी मेरे खुद के पैसे से नहीं डाला गया, मेरे बड़े भाई ने तेल डलवा दिया है। सो अभी चलता हूँ आगे तरफ और आगे दिखाता हूँ आपको। अरे बच्चा को देख सकते हैं, बनियान पहन के जा रहा है नमाज़ पढ़ने के लिए, सीधा गंजे जा रहा है नमाज़ पढ़ रहा है। अरे यार गन्ना नमाज़ पढ़ा रहा है गन्ना। हाँ तो अभी चलते हैं, इस वीडियो में ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बस जो है ना मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अलविदा जुमा हम लोग किस तरह से मनाते हैं। और वीडियो इधर से थोड़ा सा दिक्कत में आ रहा है, मतलब उतना नहीं आ रहा है क्योंकि 3 दिन अभी गैप हो गया है अकेले का। चल 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 चल, होते नहीं होते। सो थोड़ा सा दिक्कत है नॉइज़ वगैरह का, तो डायरेक्टली जो है ना पहुँचते हैं जगह पर और सालमारी मार्केट का आपको व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज लास्ट डे है रमज़ान का, तो आज जो है ना शॉपिंग वगैरह बहुत ज़ोरदार तरीके से होगा। तो देखते हैं मार्केट का व्यू कैसा रहता है, वो चीज़ आपको दिखाते हैं। यहाँ से शुरुआत हो गई है लोगों की, देख सकते हैं आप सब जमात में जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और अभी जस्ट मस्जिद से कुछ ही दूरी पर हम लोग हैं, जिस मस्जिद में हम लोग जा रहे हैं। सालमारी में टोटल 3 मस्जिद हैं और 3 में से अभी हम लोग जो है मेन मार्केट में जो मस्जिद पड़ता है हम लोग उसी में जा रहे हैं। अभी देखते हैं अभी मस्जिद का कितनी सारी भीड़ है वहाँ पर, क्योंकि अजान अभी शायद हुई नहीं है। और यहाँ से देख सकते हैं गाड़ी खड़े, मतलब गाड़ियों का रखना जो है स्टार्ट हो गया है, सब लोग जो है ज़्यादातर यहीं पर पार्किंग कर रहे हैं गाड़ी को, और हम लोगों को भी इधर ही पार्क करना पड़ेगा क्योंकि आगे तरफ जो है ना वो लगा हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो है डट्टर लगाया गया है, बांस जिसको हम लोग डट्टर बोलते हैं, मस्जिद वहाँ देख सकते हैं। अभी यहाँ से लगभग 150 मीटर पर जो है मस्जिद है,
और उससे पहले यहाँ पर जो है बंद कर दिया गया ताकि जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं ना, इसी कारण से पहले ही जो है ना बांस लगा दिया गया ताकि ज़्यादा गर्दी ना हो। उस तरफ भी लगा दिया होगा जिस तरफ से, क्योंकि इधर यहाँ घुसने का जो है दो रूट है, एक उधर है और एक पीछे में, मैंने आपको दिखा दिया यहाँ से दो रूट है। सो दोनों में जो है ना मतलब अभी अजान हो रही है तो मैं अभी आपको मस्जिद के अंदर जाता हूँ, वहाँ का व्यू आपको दिखाता हूँ। I don't like that.